गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। आज जा रही हूँ द ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड सेंचुरी, जो कि मांडवी से एक से डेढ़ घंटे की दूरी पर है। मैं नारायण सरोवर से मांडवी की तरफ जा रही थी तो ये रास्ते में ही पड़ा, इसलिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक था। रास्ता सामने आप देख रहे हो कैसा है, एंड जो बोर्ड है वो भी इतना छोटा था कि हमें कई लोकल से पूछ करके यहाँ आना पड़ा। यहाँ जब हम आए, आप देखोगे वीडियो तो समझ जाओगे, एक्चुअली बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई गाइस। सबसे पहले तो इस गेट को खोलने के लिए कोई नहीं था, एंड फिर हमने थोड़ा आवाज़ लगाया तो यहाँ का जो केयर टेकर है वो आया, एंड फिर इस 2 किलोमीटर में फैला हुआ ये बर्स्टर्ड सैंक्चुरी, इसे देखने के लिए हमने ट्रैक्टर पे ही चढ़ के देखना प्रेफर किया। एंड यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड्स हैं, जिन्हें लाल पर्जन भी कहा जाता है, और लाल पर्जन अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है इस जगह को, यह भारतीय बर्स्टर्ड के संरक्षण के लिए 2 मुख्य स्थानों में से एक है। साइज में सिर्फ 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, यह देश के सबसे छोटे पक्षी अभयारण्यों में से एक है, लेकिन लुप्त प्राय पक्षियों के लिए एक संपन्न प्रजनन स्थल है। अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र घोड़ड़, जो कि स्थानीय नाम है, के लिए क्षेत्र में उगने वाली अनाज की फसलों को खिलाने की अनुमति देता है। इसे जुलाई 1992 में बनाया गया, और जो एक दूसरी सेंचुरी है वो जामनगर में है। हमने काफ़ी बर्स्टर्ड्स को ढूंढने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, बट फिर यहाँ के केयरटेकर ने बताया कि यहाँ ना कोई आदमी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और ना ही बर्स्टर्ड्स। जी हाँ, मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में गई थी और हमें एक भी बर्ड नहीं दिखा। दे सेड कि मे बी वो यहाँ से कहीं और चले गए। एक्चुअली सेंचुरी के बाहर जो एरियाज हैं, जो खेत या गांव आप बोल सकते हैं, वहाँ पे 1-2 पक्षियों को देखा गया है। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखा जहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गए इन जनवरी, और शायद 1 तारीख को गए थे, तो उन्हें भी यहाँ एक भी बर्ड नहीं दिखा था। सो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू विजिट द प्लेस, न्यूज़ ज़रूर देख लेना, नहीं तो आप भी मेरी तरह सिर्फ ट्रैक्टर राइड करके आना पड़ेगा गाइज। बट स्टिल इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी। मैं इससे पहले कभी ट्रैक्टर पर नहीं चढ़ी थी, तो ट्रैक्टर पर चढ़ के ही इन घासों में, इन खेतों में उन बर्ड्स को ढूँढना, एक्चुअली देखना तो मैं पाई नहीं, तो इसलिए इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी फॉर मी। बट आप जब यहाँ जाएं तो पहले इंक्वायरी एंड न्यूज़ ज़रूर देख लें।